अगर आप गूगल मैप में यहाँ पर इस जगह जूम करते जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार की जगह देखने को मिलेगी, जो कि देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल प्रतीत होती है, लेकिन इसमें पिछले 115 सालों से एक ऐसी मिस्ट्री छुपी हुई है जो कि अभी तक भी सॉल्व नहीं हो पाई है। और इस पूरी घटना को तुंगुस्का इवेंट के नाम से जाना जाता है, जिसे आपको बिल्कुल बारीकी से समझने के लिए उसी टाइम में पीछे जाना होगा और साथ ही इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए पीछे चलते हैं। 30 जून 1908 की सुबह तकरीबन 7:17 के अराउंड रसिया के ईस्ट साइबेरियन रीजन में पोडकामेन्या तुंगुस्का नदी के पास एक भारी एक्सप्लोजन होता है। ये एक्सप्लोजन इतना ज्यादा बड़ा था कि वहाँ के लोकल लोगों को आसमान में दो सूरज दिखाई देने लगे थे, एक रियल वाला और दूसरा इस एक्सप्लोजन का। जबकि ये लोकल लोग इस घटना स्थल से तकरीबन 65 या उससे भी ज्यादा किलोमीटर दूर मौजूद थे। इस ब्लास्ट ने अपने आसपास 2100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आने वाले तकरीबन 80 मिलियन पेड़ों को धराशायी कर दिया था और इसकी शॉक वेव्स ने आसपास के 100 किलोमीटर तक की दूरी में ऐसे झटके और हीट को जनरेट किया था कि कई घरों की कांच टूट गई थी और उन्हें जलन से बचने के लिए छुपना पड़ा था। और साथ ही इसके छोटे छोटे झटके तो पूरे यूरेशिया में सीस्मिक स्टेशंस के द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे और इसकी जो हवाएं थी वो ना सिर्फ पूरे यूरोप में बल्कि अमेरिका के वाशिंगटन डीसी तक में डिटेक्ट की गई थी। लेकिन फिर भी क्या आप ये बिलीव भी करोगे कि इस पूरे एक्सप्लोजन में, जो कि रिसर्चर्स के अनुमान के मुताबिक हिरोशिमा में गिराए गए एटॉमिक बम से तकरीबन 1000 गुना ज्यादा बड़ा था, उसमें सिर्फ 3 लोगों की जाने गई थी, जो कि कंफर्म भी नहीं है। अगर आप विकिपीडिया में इस पेज को ओपन करोगे तो कैजुअलिटीज में 0 कंफर्म डेथ दर्ज की गई है और 3 जो ये हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं। और साथ ही प्रॉपर्टी डैमेज में सिर्फ कुछ ही घर डैमेज हुए थे और यही एक वजह है कि वैज्ञानिक अभी तक भी इस घटना को परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं और ना ही 100% श्योर होकर कोई रीजन दे पाए हैं कि एक्चुअल में इस जगह उस दिन क्या हुआ था। दरअसल साइबेरिया का ये रीजन पूरी दुनिया के रिमोट एंड नॉट एक्सेसिबल रीजन्स में से एक था और इस घटना के जो आई विटनेसेस थे वो यहाँ से 65 किलोमीटर दूर रहते थे। और इसमें भी एक ट्विस्ट था, ये जो आई विटनेसेस थे वो एक दूसरे से बहुत ही सेपरेट थे और कुछ ही थे, इसीलिए जब ये घटना हुई तो इसे महसूस तो लगभग दुनिया के 1/4 लोगों ने किया पर इसको इंटेंशन एक भी न मिली, क्योंकि इसमें किसी की जान नहीं गई थी। और कोई भी न्यूज वायरल तभी होती है जब बहुत ज्यादा जनधन का नुकसान होता है। और इसके अलावा सन 1908 का ये वो टाइम पीरियड था जब पूरे यूरोप में वर्ल्ड वॉर 1 होने की टेंशन बढ़ रही थी और रूस के पॉलिटिकल हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसीलिए न्यूज़पेपर्स ने इस पर फोकस करने की बजाय अदर चीजों को दिखाना ज्यादा बेटर समझा। और इसीलिए ये जगह पहली बार ठीक से इन्वेस्टिगेट 2 दशकों के बाद सन 1927 में की गई, जब लियोनिद कुलिक नाम के एक रूसी माइनोलॉजिस्ट यहाँ पर अपनी टीम के साथ विजिट किए थे। लियोनिद घटना स्थल पर पहुँचने से पहले कई आई विटनेसेस से मिले थे, जिनके स्टेटमेंट से इन्हें ऐसा ही लगा कि जरूर उस दिन यहाँ पर एक मीटियोराइट गिरा होगा, क्योंकि सभी आई विटनेसेस के जवाब लगभग सेम थे। उन्होंने आसमान में एक जलती हुई चीज को देखा था जिसके पीछे एक पूंछ भी थी, मतलब वो चीज नीचे की तरफ आ रही थी और उससे पृथ्वी से टकराने के पहले ही इतनी तेज रोशनी निकली थी कि उसने उन्हें जमीन पर गिरा दिया था। और तभी उन्हें ऐसे झटके महसूस हुए कि मानो पृथ्वी पर कुछ बड़ी चीजें टकरा रही है। वेल, इन सभी बातों को सुनने के बाद लियोनिद कुलिक की टीम वहां पहुंची और मीटियोराइट टकराने के सबूत को खोजने लगी, पर उन्हें वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। दरअसल जब भी कोई मीटियोराइट पृथ्वी से टकराता है तो वहां पर एक बड़ा सा क्रेटर बन जाता है और मीटियोराइट के अवशेष के सबूत वहां से सालों तक गायब नहीं होते हैं। पर कुलिक को यहां पर उसका इफेक्ट तो दिखाई दे रहा था, कई माइल्स दूर तक के पेड़ जले और ईपी सेंटर से एक ही दिशा में जमीन पर लेटे हुए थे, पर मीटियोराइट के एविडेंस वहां पर नहीं मिल रहे थे, जिसके बाद अगले कई सालों तक यहां पर कई और भी इन्वेस्टिगेटर विजिट किए पर उन्हें भी यहां पर कुछ खास नहीं मिला। जिसके बाद इस घटना पर 2 पॉपुलर थियरी दी गई, पहली मीटियोराइट इम्पैक्ट की,
रिसर्चर्स के अनुमान के मुताबिक उस दिन आउटर स्पेस से एक 65 मीटर के अराउंड जितना बड़ा मीटियोराइट एटमॉस्फेयर में एंटर किया होगा, जिसकी स्पीड तकरीबन 11 किलोमीटर पर सेकंड होगी और वो अर्थ इंपैक्ट के पहले ही एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के चलते तकरीबन 6 से 10 किलोमीटर ऊपर ही ब्लास्ट हो गया होगा। नंबर 2, जियोफिजिकल हाइपोथेसिस। वैसे तो ज्यादातर साइंटिस्ट पहली वाली थियरी पर बिलीव करते थे, पर जो उससे असंतुष्ट थे उनका ये मानना था कि उस दिन अर्थ के क्रस्ट से तकरीबन 10 मिलियन टन नेचुरल गैस लीक हुई होगी, जो वातावरण में फैली और उसमें लाइटनिंग या किसी और रीजन के चलते आग लग गई और ये सब कुछ हुआ। वेल, दोनों थियरी रिलेवेंट तो लग रही थी, पर किसी के भी पास प्रूव करने के सारे एविडेंस नहीं थे। और अब आता है 15 फरवरी 2013 का दिन, जब एक बार फिर से रूस के चेल्याबिंस्क शहर के ऊपर एक 20 मीटर जितना बड़ा एस्ट्रॉयड इंटर कर गया और तकरीबन 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ब्लास्ट हो गया था, जिससे 500 किलोटन TNT के बराबर ऊर्जा उत्पन्न हुई और 7200 इमारतों को डैमेज एंड 1500 लोगों को इंजर्ड कर दिया था, जिससे लोगों को और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिली कि उस दिन भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। और इसीलिए 30 जून को आज हम एस्ट्रॉयड डे के रूप में मनाते हैं। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर फिर से ऐसा ही एस्ट्रॉयड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाए? अगर नहीं तो जरूर आपको हमारी ये डार्ट मिशन वाली वीडियो को देखना चाहिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।